गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में रचनात्मक मूल्यांकन 3। हमने रचनात्मक मूल्यांकन 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे 3। तो आओ हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए चित्रों में देखकर बताओ कि क्या काम हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर बनी हुई है, उसमें आपको बताना है कि किस पिक्चर में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे आए, ये क्या कर रही है इस पिक्चर में, लिखना। तो हम यहाँ लिखेंगे लिखना। इसी तरह यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रही है और सब बच्चे क्या कर रहे हैं, गाना। यहाँ पे सोना और यहाँ पे हैंड वॉश कर रही है ना, ये हाथ धो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, धोना। ये क्या है, क्रिया है। पिक्चर में क्या क्रिया हो रही है कि कौन क्या कर रहा है, इस तो हमने इनकी क्रिया लिखी है कि लिखना, गाना, सोना और धोना। इसी तरह प्रश्न नंबर 2, नीचे बने पेड़ में से एक वचन तथा बहुवचन चुनकर सही स्थान पर लिखो। अब जो यहाँ पे एक पेड़ बनाया गया है, उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों लिखे गए हैं, तो आपको छांट कर अलग अलग करके एक वचन में एक वचन और बहुवचन में बहुवचन लिखने हैं। तो आओ हम एक करते हैं, एक वचन। अब इसमें से आपको देखना है कि एक वचन क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है जलेबी, जलेबी क्या है, एक वचन। और जलेबियाँ हो जाती तो क्या हो जाता, बहुवचन। इसी तरह एक वचन जलेबी हो गया और मेज, एक की है इसलिए मेज। इसी तरह बहुवचन में देखते हैं हम मिठाइयाँ, एक मिठाई नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी मिठाई है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, मिठाइयाँ। इसी तरह नदियाँ, बहुत सारी नदियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए नदियाँ। साड़ियाँ, लोमड़ियाँ और कपड़े, ये सब क्या हो जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा और जो बच्चे हैं वो एक वचन में आ जाएंगे। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, लाल गुब्बारे में लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग हरे गुब्बारे में से ढूंढकर लिखो। यहाँ पे दो गुब्बारे आपको बनाए हुए दिखाए हैं कि एक लाल है एक हरा है, उसमें से जो लाल गुब्बारे में लिखे गए हैं शब्द है उनके स्त्रीलिंग शब्द आपको हरे गुब्बारे में से ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लाल में है हाथी, सबसे ऊपर लिखा हाथी। अब हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथनी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका पुल्लिंग क्या है, हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या लिखेंगे, हथनी, हथिनी। इसी तरह बेटा, बेटा का क्या होगा, बेटी। इसी तरह घोड़ा, बूढ़ा, बूढ़ा का क्या होगा, बुढ़िया, बूढ़ा, तो बूढ़ा का क्या हो गया, बुढ़िया, बुढ़िया। अब घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी। ओके बच्चों, समझ में आया, इसी तरह आपको ये होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।